फाइव गेम्स लाइक स्ट्रे गेम। अब मैं तुम लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि अगर तुम लोग स्ट्रे गेम को देख के आए हो और सोच रहे हो कि इन सभी गेम्स में हमें स्ट्रे लाइक स्टोरी देखने के लिए मिलेगी, तो मैं कहूँगा नहीं, क्योंकि इन सभी गेम्स की अपनी अपनी स्टोरी है और इनकी स्टोरी भी बहुत सही है। अगर तुम लोग इसे ट्राई करोगे तो तुम लोगों को स्ट्रे लाइक फीलिंग आएगी। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। कैट सिमुलेटर एनिमल लाइफ गेम में तुम लोग मजे से बहुत सारी चीजें कर सकते हो, जैसे कस्टमाइज योर कैट, एक्सप्लोर एनवायरनमेंट्स, ब्रीड योर कैट्स वगैरह वगैरह, फैमिली वगैरह क्रिएट कर सकते हो, हाउस एंड क्राफ्टिंग, बहुत सारी चीजें हैं, तुम लोगों को मजा आ जाएगा। अगर फिर भी बोर हो जाओ तो तुम लोग इस गेम में मल्टीप्लेयर भी खेल सकते हो एज अ कैट। कैट बनकर तुम लोगों को मजे से गेम को एंजॉय करना है, और गेम का साइज कुछ यही है, 101 गेम भी तुम लोग एंजॉय कर सकते हो। एंड चलते हैं नेक्स्ट गेम की तरफ। एस्केप गेम्स ऑफ कैट विल बी द कैट्स हीरो। इस गेम में तुम लोग एक ऑरेंज कैट हो जिसे से उसके घर वाले, या फिर बोल सकते हो मालिक, उसे घर से बाहर निकाल देते हैं और उसे आगे जाके सर्वाइव करना है, और साथ में अदर्स कैट की मदद भी करनी है जो कि बुरी कैट्स होंगी, उनको तंग कर रही होंगी, उनकी मदद करनी है, और उनके साथ में ही तुम लोगों को स्टोरी चलानी है, और उन्हीं चीज़ों के साथ तुम लोगों को अमेजिंग पजल्स एंड गुड ग्राफिक्स भी देखने को मिल जाते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट गेम की तरफ, और सभी के सभी गेम्स के लिंक कमेंट बॉक्स में पड़े हैं, तुम लोग डाउनलोड कर सकते हो। और इस गेम का भी सेम कंसेप्ट है, तुम लोगों को एज अ कैट बनकर गेम को खेलना है और उसकी जिंदगी सर्वाइव करनी है। इसमें तुम लोगों को खाना वगैरह, रोटी, चूहे वगैरह पकड़ते हुए भी तुम्हें देखने के लिए मिल जाएगा ये सारे फीचर्स, एंड तुम लोग हर एक जगह घूम सकते हो। ये नहीं है कि ये एक स्टोरी लाइन गेम है। और इसके बाद चलते हैं हम अपने सेकेंड गेम की तरफ। इस गेम का नाम आ जाता है डियर माई कैट। गेम का साइज 235 MB आ जाता है। गेम पूरी तरह से ऑफलाइन है और ब्यूटीफुल ग्राफिक्स के साथ तुम लोगों को आइलैंड्स वगैरह देखने के लिए मिल जाते हैं, और तुम लोग अपनी कैट्स को कस्टमाइज भी कर सकते हो और अपने आइलैंड्स को क्राफ्ट भी कर सकते हो, और बहुत सारी चीजें तुम लोगों को इसमें देखने के लिए मिल जाती हैं। एक बहुत ही खतरनाक चीज वो भी इस गेम में, वो है कि तुम लोगों को बहुत ही अच्छे रिलैक्सिंग म्यूजिक सुनने के लिए मिलेंगे। मतलब कि इस गेम को तुम लोग 1-2 घंटा अपने ईयरफोन्स लगाकर खेल सकते हो और म्यूजिक का एंजॉयमेंट कर सकते हो। और अब समय आ चुका है कि हमारी फर्स्ट गेम की तरफ बढ़ा जाए, कैट सिमुलेटर। तो इस गेम में तुम लोगों को गुड ग्राफिक्स के साथ साथ बहुत सारी खतरनाक चीजें देखने के लिए मिल जाती है, लाइक तुम लोगों को मल्टीप्लेयर का ऑप्शन भी देखने के लिए मिलता है। हाँ, बेस्ट चीज़ तुम लोगों को पहले प्रोवाइड करवाई जा रही है, तुम लोग अपने फ्रेंड्स के साथ इस गेम को मजे से एंजॉय कर सकते हो। गेम का साइज कुछ 71 MB आ जाता है। इस गेम में तुम लोगों को ये नहीं है कि तुम लोगों को स्टोरी लाइन चलना पड़ेगा, नहीं, तुम लोगों को यहाँ पे बहुत सारे वर्ल्ड हाउसेज एंड गार्डन्स एंड तुम लोग अपनी फैमिली वगैरह भी क्रिएट कर सकते हो, मतलब कि जो चाहो वो करो। और आज के लिए बस इतना ही।